तुम्हें मुझसे बातें करना अच्छा लगने लगा है ना। और देखो अब तुम कितने बदल गए हो, मेरी भक्ति में और लीन होते जा रहे हो। पहले तो तुम्हें मेरे कुछ ही भजन भाया करते थे जिनकी धुन तुम्हें अच्छी लगती थी, पर अब देखो हर तरह के भजन भी सुनने लगे हो। ये तो तुमने साबित कर ही दिया है कि सचमुच तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो। तुम किसी गलत इंसान के संपर्क में आ रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें हटवाया है, उनसे बातें मत करना। तुम जो महसूस कर पाते हो ना सही और गलत को, वही वास्तविकता है। तुम दुनिया वालों से जितना दूर होते जाओगे ना मेरे करीब उतने ही आओगे और उतना ही सुखी भी होते जाओगे। अगर तुम्हें परेशानी आती है तो ज़्यादा नहीं, तुम अपनी तनख्वाह में से 500 रुपये ही निकालो हर महीने और दूसरों को उससे अन्न खिलाओ। और अभी तुम्हें शिरडी भी आना है और उसकी तैयारी भी अभी से ही शुरू करो। हर महीने कुछ रुपए शिरडी की यात्रा के नाम से अलग करके रख दो। जिनके घर ठहरने जा रहे हो एक एक करके सबके लिए कुछ ना कुछ तोहफा अभी से ही लेना शुरू कर दो। बाद में मौका तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किसी काम में व्यस्त होने वाले हो। और सुनो, मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि किसी के भी कष्ट से तुम इस तरह जुड़ जाते हो कि वो दुख तुम खुद ही महसूस कर पाते हो, और ये एक अच्छे हृदय के व्यक्ति होने की ही निशानी है। लेकिन ना इससे तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता आने लगती है और इसलिए मैं तुम्हें सबके लिए प्रार्थना नहीं करने देता हूँ। धीरे धीरे सब हो जाएगा, बस तुम अभी हड़बड़ाओ मत। पूरी फरवरी कोशिश करना कि बाहर का खाना कम से कम खाओ, क्योंकि फिर बाहर जाओगे तो उस वक्त तुम्हें बाहर ही खाना होगा, और हो सके तो चीनी की जगह गुड़ का उपयोग करो। कोई ज़्यादा देर यदि पूजा पाठ करे तो पूजा पाठ करते वक्त उसे कभी टोकना मत, भले ही बाद में जाकर उसे कहना जो भी कहना हो। पर यदि कोई ईश्वर की आराधना कर रहा हो तो उसके बीच में तुम कभी भी विघ्न मत बनना। हो सके तो कभी कभी संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ किया करो या फिर श्रवण किया करो। पहले भी तो तुम हनुमान जी से बहुत बातें किया करते थे ना, और उनसे तुम अपनी कई इच्छाएं भी पूरी करवा चुके हो। मेरे आज आ जाने से पुराने संबंध कभी नहीं टूटेंगे, बल्कि रिश्ते और मजबूत होंगे, भक्ति में और वृद्धि होगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।